देखा जाए तो इस पत्ते को पहचान भी होंगे, ये अरबी का पत्ता है और इसे बिहार में कोपल का पत्ता बोला जाता है। देख लीजिए, और आज इसी का मैं आज सब्जी बनाऊंगी बेसन से। इसे देखिए क्या किया जाता है, इसको इस तरह से काट के निकाल दीजिए। तो फाइनली मैंने सबका डंकी निकाल चुकी हूँ, और जब मैं इसको धोऊंगी ना तो इसे पानी एकदम फैलेगा ही नहीं, पानी बार बार निकल जाएगा। तो देखिए अब मैं इसे धोती हूँ। ऐसे पत्ते को बिछा कर उस पर इस ढंग से धोने के बाद एक और पत्ते को बिछाया जाएगा। अब इसे धागे की मदद से इसे लपेट देना है। हमारे बिहार में तो ऐसे ही किया जाता है, पता नहीं आपके एरिया में कैसे किया जाता है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और इसे पूरी तरह से धागे से लपेट कर, तो हे गाइस ये उबल चुका है और मैं इसे निकाल चुकी हूँ। हे गाइस, तो मैंने तेल गर्म होने के लिए दे दिया है, उसके बाद मैं एक एक करके डालूँगी। देखिए एक एक करके डालूँगी धनिया के लिए। ना अभी लेट है, ऐसे उलट पलट कर मैं लाल करके भूंज लूंगी। और टमाटर और मिर्च का प्यूरो, अब मैं इसको डालने थोड़ा सा मिक्स मसाला हल्दी। क्योंकि सावन चल रहा है तो पता ही है, सावन में लहसुन और प्याज नहीं खाया जाता है, इसीलिए ये बिना लहसुन और बिना प्याज का है। इसमें डालूंगी स्वाद अनुसार नमक। गैस बनकर तैयार है ढाबा स्टाइल कोपल का सब्जी, जिसे आप लोग अभी बात भी करते हैं। आपके इलाके में क्या बोला जाता है देखिए।